to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 के अपने चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सीएसके को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि सीएसके के तेज गेंदबाज सिसांदा मगाला भी चोट के कारण करीब 2 सप्ताह के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इस खबर ने सीएसके और धोनी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मगाला से पहले दीपक चहर और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पहले से ही बाहर चल रहे हैं। वेंसडे को खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मैच के दौरान आर अश्विन का कैच लेते वक्त मगाला हो गए थे इंजर्ड और वो अपना बोलिंग कोटा भी पूरा नहीं कर पाए थे। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने मगाला की चोट की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मगाला अब 2 सप्ताह तक टीम में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। फ्लेमिंग ने बेन स्टोक्स पर भी अपडेट दिया और कहा कि इंग्लैंड ऑलराउंडर पर रोजाना अपडेट ली जा रही है और वो जल्द ही खेलने के लिए फिट हो जाएंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।